हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं नेफ्थलीन की। जैसे हम लोग पिछली वीडियो में बातें कर रहे थे दोस्तों, बेंजीन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैसे काउंट किए जाते हैं, तो मैंने आपको लाइव करके दिखाया था दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको नेफ्थलीन के अंदर नेफ्थलीन कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, और दोस्तों उसके अंदर हम लोग कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट करते हैं, मैं इसके बारे में आपको फिर से लाइव दिखाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि वीडियो को कहीं पे स्किप ना करें और जल्दी से सीखो यार। तो आइए हम लोग बातें करते हैं नेफ्थलीन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बातें करने वाले हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, क्योंकि वो बहुत ही इजी होता है, इजी वे में हम लोग उसको हैंडल कर लेते हैं, इजी वे में हम लोग उसको निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग बातें करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अरे सॉरी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के बारे में बातें करते हैं। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स गिनना बहुत ही आसान होता है, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, ऐसे आपका नेफ्थलीन बना होता है। इस नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर ऐसे ही होती है, डबल बेंजीन रिंग होती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो होता है, ये जो बॉन्ड होता है, इन दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए, तो पाई बॉन्ड नजर ही आ रहे हैं आपको सामने सामने, मैंने आपको इतनी सारी ट्रिकें बता चुकी हैं, मैंने आपको समझा चुका है पिछली वीडियोज में। तो ठीक है, वन पाई बॉन्ड, सेकेंड पाई बॉन्ड एंड थर्ड पाई बॉन्ड एंड फोर पाई बॉन्ड एंड फिफ्थ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सिंपली हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो आपके हैं वो हो गए आपके फाइव, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो हो गए आपके फाइव। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपके फाइव हो गए। लेकिन दोस्तों, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बेंजीन में भी बताया था, और इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी कोने होते हैं वहां पे कार्बन होते हैं। तो दोस्तों, मैं इस कार्बन को शो कर दिया हूं ताकि आपको आसानी हो, समझने में आसानी हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी इजी हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए, कार्बन मैंने लगा दिए हैं सभी कोनों पे, कार्बन 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 जितने भी हैं मैंने लगा दिए। ठीक है, और आपके ये रहे डबल बॉन्ड्स, ये रहे आपके डबल बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स भी कह सकते हैं आप इनको, एक पाई होता है एक सिग्मा होता है। तो इसमें हम लोग बातें करने वाले हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि जहां पे मतलब कार्बन की तीन वैलेंसी पूरी होती हो, कार्बन के पास जैसा कि चार वैलेंसी होती है, कार्बन पे चार चार बॉन्ड बनाता है, तो अगर तीन बॉन्ड दिख रहे हो, चौथा बॉन्ड ना दिख रहा हो, तो चौथा बॉन्ड होता है हाइड्रोजन। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल समझाया हुआ है, तो उस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, जैसे कि तीन बॉन्ड इसने बना लिए कार्बन ने, अब एक बॉन्ड इसका बच रहा है, तो ये हाइड्रोजन ही लगा हुआ है, जाहिर सी बात मैंने बता चुका हूं। तो हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पे, एक एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हर जगह तीन वैलेंसी ही पूरी कर रहा है, तीन वैलेंसी, चौथा वैलेंसी इसकी होती है हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हाइड्रोजन आप मत जोड़ दीजिएगा अनजाने में जल्दी से। ये देखिए, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड भी बनाया है, दो बॉन्ड यहाँ पे बन गए, एक बॉन्ड यहाँ पे बन गए, एक बॉन्ड यहाँ पे, मतलब इस कार्बन के पास चारों वैलेंसी पूरी हो गई। मैं इसको आपको बाहर करके दिखाता हूँ, यही आपका कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे आपको देखिए बाहर दिखा रहा हूँ, ये ऊपर बनाया है दो बॉन्ड, ये देखिए नीचे बनाया एक बॉन्ड, ये देखिए एक बॉन्ड बनाया, तो इसकी चारों वैलेंसी पूरी हो गई, एक दो तीन चार, चारों वैलेंसी इसकी पूरी हो चुकी हैं, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं ऐड होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए इस सब में हाइड्रोजन एक एक जोड़ दिए, और इसमें देखिए चारों वैलेंसी पूरी, इसमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं ऐड करेंगे, और हर जगह हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ठीक है, तो आइए सिग्मा बॉन्ड भी काउंट कर लेते हैं यार, बहुत ही आसान है। कहां से शुरू करें, तो यहीं से शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहीं से शुरू कर देते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये देखिए, पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, ध्यान से देखते रहिएगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, दस दस सिग्मा बॉन्ड यहां तक हो चुके हैं। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यहां से है, चलिए यहां से देखते हैं, इलेवन, ये देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ट्वेल्व, थर्टीन, कार्बन कार्बन के बीच में, फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, फोर्टीन, फिर कार्बन कार्बन के बीच में, फिफ्टीन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, सिक्सटीन, ये देखिए 17, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 18, कार्बन कार्बन के बीच में 19। तो दोस्तों, हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ी परीक्षा हासिल कर ली दोस्तों, देख लो हम लोग को रिजल्ट मिल चुका है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसमें ध्यान देने वाली बातें ये है कि ये देखिए जो बॉन्ड्स है ना, ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड, पहले आपको हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन बनाया है वो बॉन्ड्स आपको पता होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होने चाहिए आपको, ऐसे ही सामने दिखने चाहिए कितने बॉन्ड हो चुके हैं। तो कितने बॉन्ड हो चुके हैं आपके, 19। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आपके हो गए हैं 19। तो आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपके हो चुके हैं 5, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हो चुके हैं आपके 19। तो दोस्तों, इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं दूसरा एग्जांपल देके बताता हूँ, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे पॉइंट्स की ओर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक बढ़िया वाले एग्जाम्पल के साथ, बहुत ही ढांचू एग्जाम्पल है इसके बाद वाला। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।